हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं बाय क्रिएशन 2.0 चैनल से दरोगा जी, बाय क्रिएशन 2.0 अमित परिमल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टू चेक इट आउट, लेट्स एंजॉय द वीडियो। हमरा दरोगा बनने के पीछे ना बहुत 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 छोटा सा कहानी है, लेकिन दिल से जुड़ा हुआ है। सुनने का तो मन नहीं है, लेकिन दिल से जुड़ा हुआ है तो सुनाइए, सुन लेंगे। हाँ तो सुनो, हम बचपन में ना एक लड़की से बहुत प्यार करते थे, बहुत, इतना 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 करते थे कि आज तक कोई किया नहीं होगा। वो लड़की भी हमसे बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन ना हम ओकर बाप से हाथ मांगने के लिए गए। साला हमको लात मार के भगा दिया। भगा नहीं देगा, बचपन में जाएंगे समय रहे होंगे, बेरोजगार गरीब आदमी ना, बेरोजगार थे, गरीब नहीं। ओकर बाप को चाहिए था सरकारी नौकरी वाला दामाद, और हम थे बेरोजगार आदमी। लेकिन हम उसी दिन बोरिया बस्तर समते और चल दिए सरकारी नौकरी की तैयारी में, और बन भी गए दरोगा, सरकारी नौकरी वाला। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम ओकर बाप के पास फिर से गए हाथ मांगने के लिए। तब तक ओकर बाप ओकर हाथ किसी और के हाथ में दे चुका था। बेचारे जानू। छेदा कहाँ है छेदा? अरे एकदम बुर्बा का चपाट आदमी है कि छेदा आगे और पीछे होता है, और कहाँ होगा। अरे वो वाला छेदा नहीं, दरोगा छेदा कहाँ है? दरोगा छेदा नहीं, दरोगा छेदी, छेदी नाम है। हाँ हाँ, वही वही। हम ही हैं दरोगा छेदी। बोलिए क्या बात है? पहले तनी बैठ जाए। हाँ, आराम से बैठिए। दरोगा छेदी जी, हमको ना कंप्लेन लिखवाना है। हाँ जरूर लिखेंगे हम। दरोगा जी लिख दीजिए ना कंप्लेन। अरे लिख रहे हैं सर, कंप्लेन लिखिए ना, मोबाइल में कॉपी कर रहे हैं। अभी लिखते हैं। हाँ बताइए भाई साहब, क्या कंप्लेन है? दरोगा जी, हमको ना बेबी के खिलाफ कंप्लेन लिखवाना है। बीबी के खिलाफ? जी दरोगा जी। हाँ बोलिए, क्या कंप्लेन है आपके बीबी के खिलाफ? हमार बीबी ना हमें नहीं देती है। क्या खाना पीना? उसे तो देती है, इस सब नहीं देती है। दरोगा जी, हाँ? आपका शादी हो गया? बहुत दिन पहले। तो रात में क्या करते हैं? रात में ड्यूटी के बाद जाते हैं, खाते हैं, और उसके बाद बेड पर जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? बेड पर जाने के बाद बीबी कभी हमारे ऊपर, हम कभी बीबी के ऊपर। उसके बाद? उसके बाद हमारा वाला बीबी दरोगा से सब पूछा जाता है। यही यही हमारी बीबी हमको नहीं देती है। अच्छा, मतलब कि आप अभी तक ब्याह के बाद बीबी के साथ मजा नहीं लिए हैं? नहीं दरोगा जी। ब्याह का कितना दिन हो गया है? एक साल होने वाला है दरोगा जी। एक साल में कौन नहीं दिया? नहीं दरोगा जी, हमारे बीबी कह दिया ना कि हमारा इधर के यही नियम है कि एक साल से पहले नहीं छूना है। तो इसमें कंप्लेन करने की क्या बात है भाई? आप उपास से है ना? जी दरोगा जी। अरे वो हमारा देखिए, अरे 6 महीना ब्याह का हुआ है, 2 महीना का बाल बुद्धि पर लोड है। लेकिन दुख ये बात का है कि जिससे हम बहुत प्यार करते थे उससे ब्याह नहीं हुआ मेरा। दरोगा जी, हमको लगता है ना कि हमारे बीबी के कोनो और छोरा के साथ चक्कर है, इसीलिए आप रिपोर्ट लिखिए, हमारे बीबी के जेल में बंद कर दीजिए। ऐसा कोई कानून नहीं है। तो ठीक है दरोगा जी, आप हमारे साथ चलिए, हमारे बीबी के समझा दीजिए कि आप अपने बीबी के साथ कैसे कैसे रहते हैं, कैसे कैसे करते हैं। ये सब काम हमको बच गया है। प्लीज दरोगा जी समझा दीजिए। दरोगा जी, हम आपका हाथ घर पकड़ते हैं। चल जाइए दरोगा जी, बेचारा के घर बस जाएगा। देखिए, हम आपकी बीवी को खाली समझाएंगे, उसके साथ करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है दरोगा जी, आपका मन होगा तो करियो के दिखा देंगे। दरोगा जी, अब
अच्छा चलिए चलिए। मतलब कि आप 40 लाख रुपया घूस देके नौकरी लिए, तो आपको नहीं मिली? अरे नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। कोई बात नहीं है दरोगा जी। फूलमती, ए फूलमती, क्या है जी? बारात तुम हमको सटने नहीं ना देती हो? आए हैं दरोगा जी, उठा के तुमको जेल में बंद कर देंगे। छेदू, छेदू, जानू, छेदू, जानू। हम एक दूसरे के पहले से जानते हैं। अरे है ना हम बचपन के प्यार फूलमती, फूलमती। अरे तोरा ले हम सरकारी नौकरी किए, दरोगा बने, और तुम बिया ही झाटो से कर ली। नहीं मैम, कोई गलती नहीं है जानू, हमारे बाबू जी जबरदस्ती अकरा से बिया करा दिए, लेकिन सब धन अभी तक तोरा ले हम बचा कर रख लिए। ये कुत्ता को तो अभी तक हम छूने भी नहीं दिए हैं। तू हमसे इतना प्यार करती हो? बहुत ज्यादा। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं फूलमती। अच्छा, इसीलिए 6 महीना पहले बिया किए हैं और 2 महीना के लेट कर दिए हैं, ये प्यार है? जानू, तुम शादी कर लिए और उसके साथ सब कुछ कर भी दिए। हम तोरा लिए इधर पूरा धन बचा कर रख लेते और तुम उधर रंगरसिया मचा रहा था। हम तोरा याद में रात भर सोते नहीं थे और तुम उधर किसी और के साथ सोता था। सॉरी जानू। हमको जानू नहीं बोलो, निकलो हमारे घर से। हमको माफ कर दो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चुप कर, निकल जाओ हमारे घर से, निकलो। भर को नहीं, हम जा रहे हैं, लेकिन आई मिस यू। सॉरी पतिदेव जी, हम आपको बहुत सताए हैं ना, आइए चलिए दिन रात वही वाला खेल खेल खेलते हैं। I love you जानू। हे भगवान, पता है इस वीडियो को देखकर मुझे वो गाना याद आ रहा है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाने मेरी जाने मन। हाँ यार, मैं बहुत ज़्यादा इस गाने से इरिटेट हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी यार इस वीडियो को देखकर मुझे यही गाना याद आ रहा है, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रहे। वो तो नहीं भूली, वो तो नहीं भूली, शादी के बाद भी नहीं भूली, हद है यार। मतलब क्यों नहीं भूली, भूल जाना चाहिए था, लेकिन वो उधर देखो प्रेमी का हाल देखो पहले, यहाँ पे क्या है, याद करते रहते हैं बस उसको, हमारी जानू से हमारी शादी नहीं हुई, हमारी जानू से हमारी शादी नहीं हुई। अच्छा, और जिससे शादी कर लिए तो तुम मूव ऑन कर सकते हो, हैं, वो नहीं कर सकती। बड़े आए, बहुत अच्छा हुआ कि हाँ घर ले गया उसे, ठीक है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। दरोगा साहब ने यहाँ पे केस सॉल्व कर दिया भाई, भले ही अपना दिल तोड़ के। खैर, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।